देश में आम चुनाव 2024 की लड़ाई मनमोहन और मैनिफेस्टो के जरिए मुसलमान पर आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद से बीजेपी ने मुसलमान को मुख्य चुनावी हथियार बना लिया है। इसकी वानगी मंगलवार को यूपी के अमरोहा की चुनावी रैली में भी दिखाई दी, जहां सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने मंच से मुसलमानों के बहाने इंडिया गठबंधन पर जमकर वार किए। आइए सुनाते हैं अमरोहा की रैली में क्या बोले सीएम योगी। कांग्रेस ने 1970 में नारा दिया था गरीबी हटाओ का, गरीबी हटाओ। बहनों और भाइयों, गरीबी तो नहीं हटी, हां एक परिवार को देश के संसाधनों को लूटने की पूरी छूट मिल गई थी, पूरी छूट मिल गई थी। चाहे वह परिवार दिल्ली में रहा हो, चाहे वह परिवार सिपाही का रहा हो, ये लूटते थे, अराजकता फैलाते थे। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने तो जब प्रधानमंत्री थे उस समय उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, तो हमारा दलित कहां जाएगा, पिछड़ा कहां जाएगा, एक खड़गवंशी कहां जाएगा, पाल कहां जाएगा, सेनी कहां जाएगा, गरीब कहां जाएगा, किसान कहां जाएगा, माताएं और बहनें कहां जाएंगी, नौजवान कहां जाएंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यही नहीं रुके, उन्होंने अमरोहा की चुनावी रैली के मंच से कहा कि कांग्रेस ने जाति और भाषा के नाम पर देश में बंटवारा किया है, इनका न्याय पत्र झूठा है और हम शरिया कानून से देश को बचाना चाहते हैं। देश के अंदर कांग्रेस जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बांटती रही, गरीब भूखों मरता रहा, किसान आत्महत्या करता रहा, नौजवान पलायन करता रहा, और एक कांग्रेसी और उनके सहयोगी दलों को आज जो इंडी गठबंधन के रूप में आपके पास आए हैं, बहनों और भाइयों, ये देश के साथ गद्दारी किए हैं और फिर गद्दारी करने के लिए अपने झूठे घोषणा पत्र के साथ आपके पास आए हैं। आज कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसको आप देखेंगे क्या कहते हैं, कहते हैं देश हमारी अगर सरकार बनी तो हम शरिया कानून लागू कर देंगे। आप बताओ ये देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा या किसी शरीयत से चलेगा? भारत संविधान से चलेगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से भारत चलेगा, न कि किसी शरीय कानून से। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने रैली में कहा कि रहेंगे भारत में, खाएंगे भारत में और भारत माता की जय जयकार नहीं करेंगे। ये कैसे चल सकता है? यानी योगी ने अपने भाषण में निशाने पर कांग्रेस और मुसलमान को रखा। दरअसल साल 2014 के लोकसभा चुनाव से बीजेपी मुसलमान के मुद्दे पर चुनावी ध्रुवीकरण करती आ रही है। देश में और खासकर उत्तर भारत में इसके जरिए बीजेपी को अपार सफलता भी मिली है। देश में दो बार की सरकार बनाने से लेकर अधिकांश राज्यों में प्रचंड बहुमत से चुनाव में जीत दर्ज की है। उसी को देखते हुए 2024 के चुनावी समर में बीजेपी एक बार फिर अपने इस पुराने दांव को आजमा रही है। यही वजह है कि पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के 18 साल पुराने बयान के कुछ अंश को अपने भाषण का हिस्सा बनाया और उसे मुसलमानों और कांग्रेस के मैनिफेस्टो से जोड़कर दिया, ताकि दूसरे चरण के चुनाव में मतदाता बड़ी संख्या में वोट देने बाहर निकलें और बीजेपी के पक्ष में ध्रुवीकरण हो सके। हालांकि पहले चरण के प्रचार में मोदी योगी की जोड़ी से लेकर यूपी बीजेपी ने मुसलमान के मुद्दे से दूरी दिखाई थी, लेकिन पहले फेज के मतदान के बाद से चुनावी रैलियों में मुसलमान का राग अलापा जाने लगा है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि इस बार भी मुसलमान का मुद्दा ही बीजेपी की चुनावी नैया को पार लगाता है या नहीं, जबकि विपक्ष इस पर कोई तीखी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, वो चुनाव में जनता के मुद्दों पर ही बने रहने की बात कह रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।